हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग तरुण। मेरा नाम तरुण, ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। लेवल पर चर्चा करेंगे आज कैसी रही मार्केट और 27 तारीख जो कि रहेगी वेडनेसडे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में किस तरीके से हम पैसे बना सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही बट आ रही है। ओके सो गाइज, आज की मार्केट बैंक निफ्टी को छोड़ के अगर हम निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं, पहली 15 मिनट की जो कैंडल बनी थी, 15 मिनट की कैंडल के बीच में पूरा मार्केट सिमट के रह गया। ना केवल निफ्टी, इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल निफ्टी जिसकी आज एक्सपायरी थी, वो भी 15 मिनट के अंदर सिमट के रह गया और मार्केट में लोगों को पैसा बनाने नहीं दिया। हालांकि लेवल्स जो आपको दिए थे उन लेवल्स के ऊपर ही मार्केट ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम किया, निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने, दोनों के दोनों एक पेंडिंग लेवल छोड़ के गए। गाइस 46,556, ये आने वाले 3 दिनों के अंदर अंदर मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि टच हो जाना चाहिए। 46,556 एक बैंक निफ्टी पेंडिंग लेवल छोड़ के गए और निफ्टी के अंदर भी एक नीचे का लेवल पेंडिंग है, ज्यादा दूर नहीं है। दिस इज 22,000 का लेवल जो फिबोनाची के हिसाब से ये पेंडिंग छोड़ के गए हैं। 22,000 के आसपास मार्केट को एक बार आ जाना चाहिए। ठीक है, चल के एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कल किस तरीके के मार्केट रह सकती है। लेवल जो पेंडिंग है वो आप देख लीजिएगा, मैंने हटा दिया है। डेली के चार्ट पे आ जाते हैं। आज अगर हम कैंडल देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी है, लेकिन गाइस दिस पर्टिकुलर कैंडल इज आफ्टर अ ग्रीन कैंडल, तो इस कैंडल को हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, बट ये विदिन कैंडल, विद इन द कैंडल ही बनी है। बैंक निफ्टी की चर्चा करें तो सिमिलर कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल के बाद हैंगिंग मैन नहीं है ये, दिस इज शूटिंग स्टार, सॉरी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न इज ऑल्सो वेरी पेनफुल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर मैं ऊपर से एक बार देखूं फिबोनाची लगा के, इसका तो काम हो गया। वो सारे लोग जिन्होंने फिबोनाची की कोर्स की हुई है उनको पता है पार्ट वन, देखो दिस इज टेकिंग पिन पॉइंट रिजेक्शन, और फिबोनाची की पिन पॉइंट रिजेक्शन जब जब मिली है मार्केट के अंदर उल्टे काम ही हुए हैं। और यहां पर तीनों कैंडल ग्रीन बनी है, हमें एक रेड कैंडल चाहिए, बट मोस्ट प्रॉबली ये इस बॉटम तक वापस अपना एक दिखा सकता है, 45,800 दोबारा नीचे की तरफ दिखा सकता है। हालांकि ये लो टूटना नहीं चाहिए बिकॉज ये इक्विनॉक्स का लो है इसको, और ये टूटा तो बहुत जबरदस्त गिरावट शुरू हो जाएगी। मार्केट यहां पर आके रुकनी चाहिए फिर 44,000, क्योंकि ये लो टूटने के बाद तो बहुत तबाही होने वाली है। ठीक है, सो मार्केट फिलहाल फिबोनाची के हिसाब से नीचे के लेवल ही बोल रही है, एटलीस्ट 0.236% को टच करने के लिए इसको आना चाहिए बिकॉज इसने रिजेक्शन लिया था। इसके नीचे कैंडल क्लोज आ जा चुकी है, पहली कैंडल जो क्लोज है ये कैंडल क्लोज हुई थी, इसके बाद में मार्केट ऊपर भी जाने की कोशिश की लेकिन इसके ऊपर नहीं गई क्योंकि इसके ऊपर इस ट्रेड का स्टॉप लॉस है। 0.236% एटलीस्ट मार्केट को टच कर देना चाहिए। निफ्टी की अगर मैं चर्चा करूं और सेम अगर मैं यहां से लूं हाई से लो लिखता हूं तो ये भी 50% से रिजेक्शन है थोड़ा बहुत टॉप से, लेकिन अगर मैं इस वाली रेड कैंडल से ले लूं तो गाइस इसने तो प्रॉपर टारगेट भी दिया अपना, एक ही कैंडल उसी से रिजेक्शन, उसी से एक ही कैंडल में काम कर दिया इसने एग्जैक्टली। यहां पर निफ्टी लुक्स लिटिल मोर प्रॉमिसिंग, इसके सबसे थोड़ा सा पॉजिटिव है। ओके बट एनीवेज गाइस, यहां पर कैंडल एक ही रेंज के अंदर बनी हुई है, पहले भी यहां पर देखो ये जो रेंज बनी थी कैंडल इसके अंदर ही काम चल रही थी, अभी भी कैंडल इसी जोन के अंदर है। एक बार ब्रेकडाउन देने की कोशिश की लेकिन मार्केट फिर से इसी जोन के अंदर आ गई है, और जब तक ये जोन तोड़ के ऊपर या नीचे की तरफ से वॉल्यूम के साथ में निकलती नहीं, तब तक कुछ कह नहीं सकते। इस वीक में वैसे भी अगर देखा जाए तो डेटा जो है उसके हिसाब से भी वॉल्यूम बहुत कम है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर वीक इज अ ट्रंकेटेड वीक और मार्केट के अंदर सिर्फ 3 दिनों की ट्रेडिंग होने वाली है। आपकी मंथली एक्सपायरी है, लेकिन मंथली एक्सपायरी में कभी भी मैंने इतना लो डेटा ऑप्शन चेन का नहीं देखा है, तो उतनी बड़ी वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो साइडवेज कैंडल क्यों बन रही है गाइस, इसका एक और भी रीजन है। अगर आप एलिट वेव की स्टडी करते हैं और देखते हैं तो मेरे हिसाब से जो मैंने स्टडी किया था, मेजर जो वेव है, सबसे बड़ी जो वेव है, जो सबसे बड़े टाइम फ्रेम में मंथली पर हम चेक करते हैं, मार्केट अभी थर्ड वेव के अंदर है और थर्ड वेव सबसे बड़ी इंपल्सिव वेव होती है, थर्ड वेव अभी तक खत्म नहीं हुई है। हम मेजर थर्ड वेव के फोर्थ का करेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, थर्ड वेव में फोर्थ का करेक्शन दे रहे हैं, फोर्थ मतलब एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच। ठीक है, सो
जो मेजरली ये वाला थर्ड वेव चल रहा है और हर वेव के अंदर 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से ये करेक्शन जो आ रही है ना वो ये करेक्शन आ रही है, और मोस्ट प्रोबेबली ये डबल एग्जैक्ट करेक्शन हो रही है जिसकी वजह से मार्केट ने ऐसा गिरने की कोशिश की है। निफ्टी में हमने जब एनालिसिस करने की कोशिश की थी, मैं बोल रहा था फिफ्थ एंटी डायगनल बन रही है, ईडी बनाया वहां पे, लेकिन एंडिंग डायगनल फिफ्थ ना होके थर्ड वेव वाली जो है वो एंडिंग डायगनल थी। अब मार्केट जिगजैग करके, डबल जिगजैग करके नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जो मैंने बनाने की कोशिश की थी ये फोर्थ हो चुकी है कंप्लीट ऑलमोस्ट, और अगर ये डबल जिगजैग नहीं होता, थोड़ा सा और नीचे नहीं आता, तो मार्केट यहाँ से उठनी चाहिए, ठीक है। अब अलियर वेव का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, अदरवाइज अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करूँ तो अभी थर्ड वेव खत्म नहीं हुई है। तो वो सारे लोग जो बोल रहे थे कि भाई टॉप लग चुका है और मार्केट में निफ्टी का टॉप लग चुका है, भाई निफ्टी का कोई टॉप नहीं लगाया है, ठीक है। मुझे तो लगता अभी थर्ड वेव का जो एंड होगा ना, जो थर्ड वेव मेजर मेजर जो थर्ड वेव है उसका एंडिंग कम से कम 24 से 26 हजार के आसपास होने वाला है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वेव की करेक्शन आएगी और फिफ्थ वेव थर्ड वेव के ऊपर जाती है, तो तुम ये मान के चलो निफ्टी कम से कम 30,000 रुपीज चली जाएगी, 30,000 आने वाले ऑफ कोर्स ये है, तो मान के चलो 2 से 3 साल के अंदर, 2 से 3, हाँ 2 साल, 2 साल, 2 से 3 साल के अंदर अंदर 30,000 के आसपास भी मार्केट जाएगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो बैठे हैं, मैं आपको पहले से भी बोलता आया हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट गिर रही है, अपॉर्चुनिटी देगी बाय करने के लिए, मार्केट वापस ऊपर आएगी, मार्केट इज इन दी मेजर साइकिल राइट नाउ। हाँ, थर्ड वेव खत्म होने के बाद एक बार अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बुक कर लेना, क्योंकि फोर्थ जो होगा थर्ड वेव की जो थर्ड वेव का जो फोर्थ होगा वो एटलीस्ट 23 या 30% तक करेक्ट करेगा फोर्थ वेव, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और जब फिफ्थ वेव शुरू होगी तो भाई बहुत मजे आने वाले हैं, क्यों? क्योंकि फिफ्थ वेव जब भी होती है ना, जो लास्ट वेव होती है, मान लो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, ये जो पांचवी वेव होती है ना, इस पर्टिकुलर वेव के अंदर सबसे ज्यादा जो स्टॉक भागते हैं वो होते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ठीक है। ये 20-20 गुना होते हुए दिखे मैंने, 100% 20-20 गुना, मतलब एक जो स्टॉक है ना उसके प्राइस बहुत तेजी से भागते हैं। तो ये क्योंकि फिफ्थ वेव के अंदर ना अक्सर नए ट्रेडर्स, नए इन्वेस्टर्स ज्वाइन करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट अब बहुत ऊपर जा रही है। ऑफकोर्स अगर खुद सोचो ना, अगर मार्केट अभी 26,000, 25,000, 26,000 चली जाए ना, तो जो जो लोग अपने हाथ रोक के भी बैठे हैं ना, वो भी पैसा लगाने लगेंगे। यार लोग बोल रहे थे कि भाई 19,000 आएगी, 7,000 आएगी, 10,000 आएगी निफ्टी की, तो फिर से 26,000 आएगी, 21,000 से, 22,000 से, तो वो फिर दोबारा पैसे लगाएंगे। और उस समय मेजर जो है फिफ्थ के बाद में जो होगा, क्रैश होना है, जो भी होना है, एबीसी बनना है, वो उसके बाद में बनेगा, बट उस टाइम पर पैसा कमाने का एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी फोर्थ वेव, मेजर फोर्थ वेव शुरू नहीं हुई है, तो मेजर फॉल नहीं आने वाला, क्योंकि अभी चल रही है ये, ऑलमोस्ट फोर्थ कंप्लीट हो चुकी है, यहां से फिफ्थ वेव और बनेगी। और जो फिफ्थ वेव है वो करीब करीब 22,300 से लेकर 22,600 के आसपास तक बननी चाहिए। एनीवेज वो एनालिसिस अलग रही, क्योंकि आप लोग वो वाले एनालिसिस करने वाले लोग हो नहीं, क्यों? क्योंकि आप लोगों को तो चाहिए डेली पैसा, तो आपको उसके हिसाब से एनालिसिस करके देखना होगा। नाउ ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना, ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना, यहाँ पर ये पूरा शोल्डर, ये एक शोल्डर, ये एक हेड और ये शोल्डर, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट की जगह ये बिल्कुल नीचे आ गया। इसका स्टॉप लॉस क्या है? ये इसका स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है, ठीक है, इसका टारगेट भी नहीं आया और इसका स्टॉप लॉस भी अभी तक हिट नहीं हुआ है। सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट कि भाई क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने ये लाल कलर की लाइन मार्क कर रखी थी। अगर आज का मार्केट 22,082 के ऊपर आ जाता तो मैं बाय करता था निफ्टी को, बट ये बिकॉज ये लाइन नहीं तोड़ पाया, ये वाला हाई था, ये हाई नहीं तोड़ पाया, आई डिडंट बाय, क्योंकि मार्केट में 2 या 3 इंडेक्स ऐसी थी जो नेगेटिव क्लोज हुई है, इंक्लूडिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है वो न्यूट्रल क्लोज हुई है, फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुए हैं, और अगर मैं बात बात करूं मिड कैप की तो वो पॉजिटिव क्लोज हुआ। तो मिक्स्ड इमोशंस थे जिसकी वजह से आई चूज नॉट टू बाय एनीथिंग, क्योंकि मार्केट में भी कुछ क्लैरिटी आपको देखने को नहीं मिली, यहां पर भी ज्यादा कोई क्लैरिटी देखने को मिली नहीं है। बॉलिंजर बैंड लगा ले, देखो सिंपल सी चीज है, आपको पहले भी बताया था, मार्केट जब ये बाहर आई, मैंने क्या बोलता, जब भी मार्केट बॉलिंजर बैंड के बाहर आती है, ऊपर की तरफ निकलती है, टारगेट क्या होता है बॉलिंजर बैंड का? मिड बैंड, इसका टारगेट ऑलरेडी हो चुका है। अगर इसको अब, और ये बोलिंजर बैंड भी स्ट्रेच हो गया, तो अगर इसको गिरना है और नीचे की तरफ फर्दर, तो अब स्पेस बन चुका है, पहले स्पेस था नहीं। मैंने क्या बोला, मार्केट को यहाँ थोड़ा टाइम पास करना चाहिए या ऊपर की तरफ मिड बैंड को टच करने जाना चाहिए, दोनों में से एक चीज, वो ये कर चुका निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम चर्चा करें तो सेम सिमिलर कहानी बैंक निफ्टी की भी है,
बैंक निफ्टी की कहानी क्या है, मिड बैंक को टच कर चुका है, वहां से नीचे की तरफ आ चुका है, ये दोबारा से इन लेवल की तरफ आ सकता है, ठीक है। इसको भी तो मामला भाई 50-50 है हिसाब किताब। इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है कल वो देख लेते हैं। यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर हो क्या रखा है। इस मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, मार्केट ने एक लो, मार्केट ने नीचे की तरफ गया ऊपर गया, ओके लोअर हाई बनाया। यहां पर इसने लोअर लो नहीं बनाया, सेम ही लेवल के ऊपर रहा मार्केट, ठीक है ऑलमोस्ट। तो मार्केट इसके ऊपर अगर निकल जाता, ये लोअर हायर लो बना के ऊपर जा रहा था, अगर ये ऊपर इसके ऊपर निकल जाता तो ट्रेंड चेंज हो जाता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, फिर से एक लोअर हाई बनाया और एक लोअर लो दोबारा से क्रिएट कर दिया है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी कब आएगी, जब तक बैंक निफ्टी आपका ये वाला रेंज नहीं तोड़ती है। ये रेंज क्या है, बाय के बारे में सोचना पाप है, 46,750 का लेवल है। मार्केट इस हाई को नहीं निकालती है, इस जोन को नहीं निकालती है, इनफैक्ट सही बोला, जोन क्रिएट करेंगे ये वाली और इस कैंडल का हाई। ये जोन एक रेजिस्टेंस का काम करने वाली है, मार्केट जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकलती है 773-775 के ऊपर, तब तक मार्केट में आप तेजी के बारे में सोच नहीं सकते। मार्केट जो है नीचे की तरफ के लेवल ही दिखा सकती है, और अगर मार्केट आपका पेंडिंग लेवल भी नीचे का है, कौन सा लेवल है, ये पेंडिंग लेवल है, मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करके दिखाया था 44 40, ये लेवल है 45,556 का लेवल, ये एक पेंडिंग टारगेट है जो आने वाले 3 ट्रेडिंग के अंदर होना चाहिए। एचएस निफ्टी भी देख लें क्या चल रहा था 17 पॉइंट डाउन ही चल रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कल ही ये लेवल जो है अचीव हो जाने चाहिए। यहां पर नीचे की तरफ ये एक सपोर्ट का एरिया है, इसको ग्रीन कर दूंगा, ये एक सपोर्ट का एरिया है, क्योंकि मार्केट ने एक बार दो बार तीन बार लिया था। अब ये जोन टूटती है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट हमें ड्रैग होती हुई दिखाई देगी ये वाले सपोर्ट लेवल तक, यहां तक मार्केट आराम से गिरती हुई दिखाई देगी। इसके नीचे आपको ये वाले जो जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, इसके नीचे ये एक सपोर्ट जोन है, उसके नीचे कैंडल की जो वीक बनी है जहां पर, ये एक सपोर्ट जोन, तो ये नीचे सपोर्ट जोन के लेवल्स है। लेकिन मार्केट में ये वाला जो मूव है थोड़ा सा फास्ट आना चाहिए, अगर गैप डाउन में ये सब कुछ हो जाता है तो देखना होगा। वेडनेसडे कल है, और कल क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन देती है तो भाई मैं मार्केट को ना बुलिश मानूंगा। क्यों आप पूछोगे, देखो क्या होता है, गैप डाउन होगा तो मार्केट गैप भरने ऊपर आएगा, हाई चांस है कि मार्केट अगर मान लो यहां पर कहीं पर होती है ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि 80% तो टाइम जब भी वेडनेसडे के अंदर बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन देती है, गैप फिल करती है, 20% ऑफ टाइम अगर नहीं करती है तो मार्केट साइडवेज हो जाती है, और गैंग के हिसाब से कल का मार्केट साइडवेज है, ठीक है। थर्सडे फिर भी अच्छा है, आज का मार्केट वॉलेटाइल था, कल का मार्केट भी ऐसा ही है, और परसों साइडवेज है, और कल परसों का मार्केट वॉलेटाइल टू ट्रेंडी है, ठीक है, वॉलेटाइल रहेगा, दोनों साइड की मूव मिलेगी। अब मार्केट अगर गैप डाउन देता है तो हम इस और इस लेवल के आसपास खुलता है तो भाई बिल्कुल बाय के लिए एक पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमें कोई ग्रीन कैंडल का क्लोज मिलता है, पहली 5 मिनट की कैंडल का ऊपर की तरफ पूरा गैप फिल करने की चेष्टा करेंगे, और अगर गैप अप होता है तो भाई फिर मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ देखा जा सकता है, क्योंकि मार्केट इसी लेवल के आसपास खुलेगी और उसके बाद नीचे की तरफ आने की कोशिश करने वाली है पेंडिंग टारगेट को लॉन्च करने की। अगर गैप अप भी होता है ना तो भी नीचे की तरफ आएगा। नटशेल में अगर मैं आपको बताऊं भाई, गैप डाउन होता है तो पूरे दिन का ट्रेंड मुझे लगता है कि बुलिश होना चाहिए, गैप अप गैप गैप भरने के बाद ऊपर निकल जाना चाहिए, तो मैं 46,775 के ऊपर बाइंग की पोजीशन की क्रिएशन करूंगा। और अगर मार्केट गैप डाउन देता है तो एक बार मार्केट को मैं ऊपर आने दूंगा और गैप भरने दूंगा, वहां पर निकल जाऊंगा एक बार प्रॉफिट बुक करके गैप भरने के बाद, और प्राइस एक्शन फॉलो करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ का जो लेवल है वो बनेगा ये एक, ये रेजिस्टेंस का लेवल ऊपर की तरफ, बैंक निफ्टी का भी आने वाला है। हालांकि मैं रेंज के जो लेवल है आपको कल मॉर्निंग के अंदर बना के दे दूंगा, आप वहां से इन लेवल्स को ले सकते हैं। निफ्टी की अगर चर्चा करें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर तो सेम प्राइस एक्शन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, और अगर आप नीचे से यहां तक फिबोनाची लगाते हैं तो मार्केट कहां रुकी है, देखो ध्यान से देखना, मार्केट रुकी है एकदम गोल्डन पॉकेट पे, इसलिए मैं बोल रहा था इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर पुट लेके जाना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है, पुट लेके जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोज मैंने आपको दिया था, और जो लोग फिबोनाची सीख चुके हैं
उनको पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव है, क्योंकि गोल्डन पॉकेट पे बाउंस करके 50% के ऊपर क्लोजिंग भी दिया है इसने, इसलिए मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है। और पहली जो कैंडल है वो 22,040 के लेवल को टच करना चाहिए, ठीक है। और हालांकि इसका जो लेवल है एक नीचे की तरफ का ये पेंडिंग भी है, ये वाला लेवल, तो हो सकता है कि गैप डाउन दे इस पर्टिकुलर पेंडिंग लेवल को, कल टच कर दे और उसके बाद में पूरा ऊपर की तरफ खींच के टारगेट देने की कोशिश करें। लेकिन गोल्डन पॉकेट कल भी नहीं तोड़ेगा तो ये ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेंडिंग, ये रेड कलर का जो मार्क लाइन मैंने ड्रॉ की है ये कल के लिए पेंडिंग है। और गैप डाउन के अंदर ये पेंडिंग टारगेट निकल जाता है इस ग्रीन जोन के ऊपर, मार्केट अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है बिंदास बाय कीजिएगा इमीडिएट टारगेट के लिए, और आपका टारगेट जो होगा वो होगा ये वाला। ठीक है, निफ्टी का टारगेट क्या होगा, ये वाला, इस ग्रीन कलर की पट्टी के ऊपर आपको कोई ग्रीन गैप डाउन के बाद में ग्रीन कैंडल मिलती है ना 22,000 के लेवल के लिए, 22,043 के लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। उसके ऊपर जोन बनेगी, मैं जोन बना देता हूं, ये एक जोन है ठीक है जहां तक मार्केट को जाना चाहिए, और इसके ऊपर एक ये जोन है। एक ये रेजिस्टेंस का काम करने वाली है, इसको लाल कर देंगे, ये भी रेजिस्टेंस का काम करने वाली है, इसको भी लाल कर देंगे ठीक है। ये दो लेवल आपको नीचे की तरफ निकल के आ रहे हैं, नीचे की तरफ सपोर्ट की जोन कौन सी बनेगी, ये वाली निफ्टी की, ये सपोर्ट की जोन बनेगी। अगर ये लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो ये आपका एक लेवल बनेगा, दूसरा लेवल बनेगा आपका, यहां से मार्केट ने बाउंस मारा था, इसके बाद में गैप पूरा फिल, ये समझ के चलिए ये छोटा सा एक सपोर्ट लेवल है ठीक है, एक ये एरिया है और कॉर्नर में एक ये एरिया है, ये निफ्टी के सपोर्ट लेवल बनेंगे नीचे की तरफ। बाकी जो रेंज के लेवल है वो आपको कल आपको दे दूंगा ठीक है, ज्यादा कुछ एनालिसिस के लिए है नहीं गाइस। इंटरनेशनल प्रेशर जरूर है, रशिया के अंदर टेरर अटैक हुआ था जिसके अंदर आईएसआईएस के कुछ लोगों का हाथ देखने को मिला है, सुनने को मिला है, और तजाक जो नेशनैलिटी के लोग हैं वो थोड़े से उसके अंदर संदिग्ध आए हैं। रशिया ने एक्शन ऑलरेडी शुरू कर दिया है, दो लोगों का एनकाउंटर वो कर चुकी है, मतलब मेजोरिटी ऑफ दम का एनकाउंटर कर चुकी है, और जितने भी रेफ्यूजीज थे इलीग्रेंट इमिग्रेंट जो रशिया में थे उनका प्रवास शुरू हो चुका है, रशिया ने उनको निकालना शुरू कर दिया है अपने कंट्री से, एंड ही इज रेडी फॉर द फर्दर एक्शन एज वेल। तो वो एक कंसर्न का एरिया जरूर है गाइस, बिकॉज मुझे लगता है अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो वो अगर वर्ल्ड वॉर होती है इनफैक्ट तो वो रशिया कोरिया चाइना ये इन तीन जगहों से शुरू होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भी न्यूज़ को आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके ने चाइना को सैंक्शंस जारी किए हैं बहुत कुछ इशू के ऊपर, तो इंटरनेशनल प्रेशर भी है, इंटरनेशनल हालात उतने क्यूज उतने अच्छे भी नहीं है ठीक है। हाँ, हमारे देश के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कोई बुरी नजर बुरी 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 न्यूज नहीं है, लेकिन मार्केट फिर भी जो है एडजस्ट नहीं कर पा रही है। टू मेजर रीजन, नंबर वन आर मार्केट इज इन टू अ करेक्शन साइड राइट नाउ, मैंने आपको जैसे कि बताया कि एलियट वेव के हिसाब से फोर्थ वेव में है, मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जिसकी वजह से मार्केट टाइम पास, क्योंकि फोर्थ वेव के अंदर वो जब डबल डबल एग्जैक्ट हो रहा होता है ना, पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आज वैसा ही हुआ मार्केट के अंदर। और जब फिफ्थ वेव शुरू होगी तो पैसा बनाना उतना ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मिड कैप के स्टॉक बहुत अच्छे भागेंगे, आज भी लोग भागे हैं, क्योंकि फोर्थ मुझे लगता है कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है और यहाँ से फिफ्थ वेव का आगाज हो जाना चाहिए, तो थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा नीचे बचा है वो छोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ निकल जानी चाहिए। और इस बार बैंक निफ्टी लीड करेगा, क्योंकि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम ऑलरेडी मार दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई नहीं मारा है, विच इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय इंडसइंड बैंक, क्योंकि आज भी इंडसइंड बैंक जो है वो ग्रीन क्लोज हुआ है, और 1600 का टारगेट उसका बहुत जल्दी इनफैक्ट मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए अप्रैल महीने के अंदर अंदर। हाँ, मैं गाइस इंडियन मार्केट के लिए बहुत बुलिश हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, 2030 तक का जो अपना विजन है वो सुपर सुपर डुपर हिट होने वाला है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 51,000 का शगुन मारेगा बैंक निफ्टी बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है कि कल ही मार देगा, तो भाई ऐसा नहीं है कि कॉल खरीद के बैठ जाओ पूरा मोहल्ला बेच के, नहीं ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको बोला 2 से 3 साल के अंदर मार्केट जो है निफ्टी जो है फिफ्थ वेव अपनी कंप्लीट करेगी मोस्ट प्रोबेबली, तो
वो 28 से 30 हज़ार की रेंज में जाकर कंप्लीट होगा। डिपेंड करता है फोर्थ कहाँ कंप्लीट हो रही है, कितना करेक्शन लेके कंप्लीट होगी, उसके हिसाब से फिफ्थ ईयर का जो एनालिसिस है मिनिमम एंड मैक्सिमम टारगेट्स आपके सामने मैं ला के रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी चल के देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी एनालिसिस के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और ये आ गए ट्रेडिंग तरुण की एप्लीकेशन में। इन द मीनवाइल गाइस, वो सारे लोग जो फिबोनाची 14th of April को हमारी वर्कशॉप हो रही है जो आप अटेंड कर सकते हैं गाइस फिबोनाची, मैंने जो लिंक है बुक करने के लिए वो टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हैं। फिबोनाची में आप सारा कुछ सीखने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस प्लस ऑल 5 सेटअप। टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्कशॉप इज अराउंड 10,000 रुपीज, बट आपको 50% डिस्काउंट अभी मिल रहा है फॉर द फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स। काफी लोगों ने ऑलरेडी सीट बुक करा ली है, आप भी अपने सीट को बुक करा लो। जैसे ही आप सीट बुक कराओगे आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप लिंक आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको जूम की इंफॉर्मेशन और सारी कम्युनिकेशन टेलीग्राम के ऊपर ही मिलने वाली है, तो वो जरूर कर लीजिएगा। कमेंट्स देख लेते हैं, 30 से ज्यादा कमेंट्स हैं और सबसे पहला कमेंट किसका आया है, सबसे पहला कमेंट आया है चिराग पंड्या का। सर मनी कंट्रोल में डाउजोन 100% माइनस माइनस दिखा रहा है, पता नहीं सर डेटा वो चल रहा होगा ना इसीलिए। एनबीसीसी एनालिसिस फॉर पोजिशन, एनबीसीसी इज अ गुड स्टॉक टू बाय, होल्ड कर सकते हो भाई, उसके लंबे टारगेट है, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए होल्ड कर रखो, अभी भी उसके अंदर कम से कम 60 से 70% के रिटर्न बाकी हैं। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हो। ज्ञान मोमेंटम कब शेयर करोगे? सर मैंने बनाया नहीं, लेकिन मैं बता दिया, बस ही बता देता हूँ, इस हफ्ते का मैंने पोस्ट नहीं किया, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, आज का दिन जो था वो साइडवेज टू वॉलेटाइल था, कल का दिन भी साइडवेज है, और जो थर्सडे का दिन है वो अच्छा है, साइड वो है वॉलेटाइल टू ट्रेंडी, मतलब वॉलेटाइल है, दोनों साइड के मूव मिलेंगे, लेकिन मूव्स मिलेंगे, हल्की मार्केट कम और थोड़ा सा ज्यादा मार्केट चलेगी ज्यादा, मतलब पैसा बनाने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है जैसा आज का मार्केट एक रेंज के अंदर रह गया, ऐसा नहीं रहेगा। गैन स्ट्रेटजी सीखना, गैन स्ट्रेटजी सीखने के लिए गाइस आप अपनी ऑप्शन मास्टर या ट्रेडिंग मास्टर की वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, और ऐसा कोई कोर्स नहीं है सर और ना मैं बनाने वाला हूँ, मैं बार बार बता चुका हूँ, बार बार कमेंट करके कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बोल चुका हूँ मैं कोई ऐसा कोर्स नहीं बनाने वाला हूँ। ठीक है, गैन के ऊपर SRF प्लीज, फिर निफ्टी के लेवल भी, सर आप प्लीज फिर निफ्टी के लेवल शेयर करना ग्रुप में। ओके जॉन, अब तो चला गया बट देखेंगे। ठीक है, कोई स्टॉक के एनालिसिस के लिए कोई कमेंट आया क्या? नहीं आया, चलो ठीक है, तो स्टॉक नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको किसी स्टॉक के एनालिसिस के बारे में पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ के दे सकते हैं, और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दी एनालिसिस फॉर द सेम। एंजॉय योर IPL मैचेस गाइस, आई होप यू मस्ट बी वॉचिंग इट, एंड आई एम नॉट टू मच एक्टिव इन द मार्केट राइट नाउ बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, बट बहुत जल्दी गाइस दोबारा से लाइव अपडेट्स देना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो एंजॉय, विल सी यू गाइस वेरी सून, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो, विल सी यू गाइस इन द मार्केट, बाय बाय।